नादिम 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 मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन, नदीम कॉमेडी किंग सीरियसली। तो गाइस आई नो कि आपने इस वीडियो को तो देख ही लिया होगा, डेफिनेटली देख लिया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना मेंशन किया है ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इतना स्पैम किया है जिसकी कोई और नोटिफिकेशन आई नहीं थी मेरे पे। कौन मुझे फॉलो कर रहा है, पोस्ट को लाइक कर रहा है, कुछ नहीं, बस नादिम नादिम ये वीडियो वो वीडियो, बस यही भरा पड़ा है। खैर अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, ताकि ये वीडियो समझने में आसानी हो जाए। बेसिकली इस वीडियो में दो मलिच है, एक का नाम है नादिम और दूसरी है लड़की जिसका नाम है शबनम। अब ये जो वीडियो है ना इसको इंस्टाग्राम से उठाया गया है। होता यह है कि जो हमारे मलिच है नादिम भाई, वो और उनकी दोस्त जो शबनम हमारी पेंगुइन है, ये दोनों बैठ के लाइव कर रहे थे। यार मेरे को इनको इतना गुस्सा आता है भाई, लिटरली मैं। और लाइव करते करते एकदम से नादिम भाई अपने मदरसा में सीखे हुए संस्कारों का वर्णन करने लगते हैं। इनकी बहनों का रेप होना चाहिए और ये ट्रूथ है, होना चाहिए, करूंगा मैं, करूंगा। इस लाइव में नादिम भाई हमारे हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। मेरे पास AK-47 होना, मैं खुद बयान दे रहा हूं। हिंदू लड़कियों का रेप करने की बात करते हैं। इनकी बहनों का रेप होना चाहिए और ये ट्रूथ है, होना चाहिए, करूंगा मैं, करूंगा। और साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए भी दिखते हैं। हमारा धर्म कुछ नहीं है, इमेजिन करते हो गॉड्स को, एक भगवान जिसकी आधा सर पता नहीं काय का लगा दिया है। और इन्हीं सब बेहुदा बातों पर जो हमारी सेकंड कैंडिडेट थी ना शबनम जी, नदीम कॉमेडी किंग सीरियसली, वो हंस हंस के अपना मजा भी परिचय दे रही थी। मेरी हंसते हंसते सांस रुक गई आज। खैर नादिम भाई और शबनम दीदी के बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे, क्योंकि उसमें अलग मजा है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर लीगली क्या होने वाला है। ये देखो ऐसा है, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि हिंदू आईटी सेल हो गया, उन्होंने अभी लेटर दे दिया है आसाम के कमिश्नर, और ऐसे ही कई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट है जैसे कि यूथ अगेंस्ट रेप हो गया, हिंदू इकोसिस्टम हो गया, ये भी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, वहां के कमिश्नर्स को, वहां के नेताओं को इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इन्हीं लीगल चीजों के चलते अभी हमारे नादिम को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हां, कई सोर्सेस से पता चला है कि नादिम को अरेस्ट कर लिया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा। कौन सी पुलिस के द्वारा? राजस्थान। शायद राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट होगी इसलिए अरेस्ट हो गया होगा, है ना। मजाक उड़ाओ, हेट स्पीच दो, ट्रोल करो, अब्यूज करो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, एंड स्पेशली किसको, हमारी मतलब की सरकारों को। अब मैंने ऐसा क्यों बोला ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज समझाना चाहता हूं, मतलब बताना चाहता हूं। तो गाइस आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी बुल्ली भाई ऐप को लेकर, जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी, और जिस वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आज से कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था बुल्ली भाई ऐप, बुल्ली ऐप करके। अब ये क्या है तो भैया, लोगों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पीपल, मेरे को नहीं पता ये सत्य है या फिर झूठ, लोगों के हिसाब से बुल्ली भाई ऐप पे मुस्लिम महिलाओं का ऑक्शन हो रहा था, जो कि टोटली गलत है। अगर हो रहा था तो, वैसे हो नहीं सकता इस देश में, तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये तालिबान नहीं है क्योंकि, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कुछ लोग भैया ऐसा हो रहा था तो हमने मान लिया। तो ये जो ऐप है ये इंडिया के ही किसी बंदे ने बनाया था, जिसके अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे ऑनलाइन, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था, इंस्टाग्राम पे हो रहा था, गूगल पे आर्टिकल लिखे जा रहे, मतलब चल रहा था पूरा मसला। जब ये कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ने लगी, काफी ज्यादा बढ़ने लगी, लोग इस बारे में बात करने लगे, तो हमारे एक सांसद साहब चले, उन्होंने एक लेटर निकाला, उस लेटर में कई सारे सांसदों के साइन करवाए और खुद जाके पर्सनली जाके अमित शाह जी से मिले, उनको वो लेटर दिया और उनसे बोला कि ये जो ऐप जिसने बनाया उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट किया जाए और जिन लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं उनके ऊपर तहकीकात की जाए, उन पर सीबीआई जो भी ये मांग रहे थे। तो ये जब जाकर इन्होंने ऑफिशियली लेटर दिया, उसके बाद कार्रवाई हुई, एक लड़का अरेस्ट भी हो गया और काफी लोगों के नाम भी आ रहे हैं, वो सब एक बात का मैटर, वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अब मैंने आपको ये स्टोरी क्यों बताई, इसलिए बताई कि जब हिंदू छोड़कर किसी और रिलीजन के ऊपर कोई हमला होता है या फिर इस तरीके से टारगेट किया जाता है, तो उनके जो सांसद होते हैं ना वो उठते हैं, आवाज उठाते हैं, और जो भैया गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उन तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता। वैसे कहने को तो भाजपा के 300 से ज्यादा सांसद संसद में, लेकिन एक भी सांसद ने अभी तक इस बारे में कुछ भी बोला। हर दूसरे स्टेट में भाजपा की सरकार है, हर दूसरे स्टेट में हमारा एक सीएम, लेकिन कोई भी कार्रवाई हुई, किसी ने भी स्टेटमेंट दिया नहीं दिया, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। एक कॉमन सी बात खुद से सोचो कि पालघर के साथ पब्लिक मार रही है, लिंचिंग कर रही है, हमको साफ दिख रहा है, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती, हर्षा को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, किशन भरवाड़ को, मतलब मैं केस गिनाते गिनाते थक जाऊंगा भाई। सीरियसली गाइस, ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होता। जब भी ब्लास्फेमी की बात होती है तो आप लोगों ने देखा ना कि वो लोग किस तरीके के रिएक्शंस देते हैं, वो लोग सर तंग से जुदा होने वाली बातें करते हैं, काटने की बातें करते हैं, फतवे निकाल देते हैं, देखा है ना तुमने। वो तो खैर चलो अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों का कानून में विश्वास है, तो आप इनके जैसी गवारों वाली हरकतें नहीं कर सकते ना, फतवे जारी कर सकते हैं, आप लीगल चीजें तो ले सकते हैं ना। जाइए अलग अलग पुलिस स्टेशन में, करिए अलग अलग FIR, जाइए अपने विधायकों के पास, सांसदों के पास जाकर बोलिए उनसे कि इनके ऊपर एक्शन ले, जो चीज लीगली हो सकती है, क्योंकि मैं जानता हूं आपका संविधान पे ही भरोसा और कानून पे भी, तो जो चीजें लीगली हो सकती है उनके बारे में तो बात करो, वो तो करो, एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे कुछ तो करो, तभी तो चेंज आएगा भाई। हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो एकदम घटिया और बर्बाद है, लेकिन उनका उतना ही ज्यादा मजबूत और उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। तुम एक बार इनका इकोसिस्टम देखो ना, स्वरा के ऊपर एक ट्रेंड चलता है, वो इतनी ज्यादा उससे ऑफेंड हो जाती है कि वो चली जाती है पुलिस स्टेशन, जब पुलिस स्टेशन से कार्रवाई नहीं होती तो वो पहुंच जाती है कोर्ट, और कोर्ट से उसका वकील स्टेटमेंट देके बाहर भी नहीं आया होता, उससे पहले NDTV पहुंच जाता है उसका इंटरव्यू लेने, और एक ट्रोलिंग को इस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया जाता है दुनिया के सामने, मानो ट्रोलिंग नहीं हुई है, इंडिया में एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया। ये अंतर है हमारे इकोसिस्टम
में और उनके इकोसिस्टम में आया समझ। खैर तो मजाक मस्ती हटा के सीधा नादिम भाई के ऊपर चलते हैं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद ना इतनी चीज़ें बोलने को थी, इतना कुछ लिख रखा था, लेकिन यार सीरियसली ये यूट्यूब के सेंसरशिप के चक्कर में सब हटाना पड़ रहा है। तुम ट्विटर पर फॉलो कर लो, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर मैं लाइव करके जरूर बोलूंगा। खैर चलते हैं अपने नादिम भाई के ऊपर और अपनी शबनम दीदी के ऊपर। लेकिन वो बताने से पहले मैं तुम्हें एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग एक साइट ढूंढ रहे होगा जिस पर तुम गेम्स खेल पाओ एंड स्पेशली क्रिकेट खेल पाओ। तो गाइस जैसा तुमको पता होगा इंडियन T20 लीग शुरू हो चुका है और उसका बुखार भी। और सिर्फ क्रिकेट देखने से क्या होता है भैया, जब तुम्हारे पास नॉलेज है क्रिकेट की तो उसको यूज करो, क्रेजी प्राइजेस जीतो माय 11 सर्कल ऐप पे फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा इजी है। तो मैं दोनों टीमों में से अपने 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने और उनको उतार देना है एक कॉन्टेस्ट में। अगर तुमने अपने अपोनेंट को हरा दिया तो तुम जीत जाओगे कैश प्राइजेस। लेकिन आई नो कि तुम लोग ये पूछोगे कि माय 11 सर्कल ऐप ही क्यों, तो मैं तुमको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज है ना वो सबसे ज्यादा 1 करोड़ का। और यहाँ पे आप BBS लक्ष्मण जैसे बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ हेड टू हेड खेल सकते हैं। आप अपनी टीम बनाइए और आपकी बनाई हुई टीम ने अगर BBS लक्ष्मण सर को हरा दिया, यानी कि उनकी टीम को हरा दिया, तो आप जीत जाओगे 5 गुना एक्स्ट्रा कैश। और हाँ, मैंने माई 11 सर्कल वालों से बात करके तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भी बनवाया है। अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करते हो, ऐप को डाउनलोड करते हो और मेरा प्रोमो कोड YT2022 यूज करते हो तो तुमको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। और हाँ, अभी माई 11 सर्कल वेलकम बोनस भी दे रही है 1500 रुपए का। तो शक्ल क्या देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और जीतो। फर्स्ट प्राइज बताया ना 1 करोड़ का है, जीतो जाओ। कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। मैंने मेरे आंखों के सामने 3 हिंदुओं को मरते देखा है और मरते हैं रोजाना, मारना चाहिए इनको, मारो इनको। तो वीडियो की शुरुआत में नादिम भाई कह रहे हैं कि उन्होंने 3 हिंदुओं को मरते हुए देखा, लेकिन पूरा सच नहीं बताएंगे कभी भी। जो भी चीज बताएंगे आधी बताएंगे, कटी हुई बताएंगे। नादिम भाई आपने ये तो बता दिया कि आपने 3 हिंदुओं को मरते हुए देखा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उन तीनों हिंदुओं का जो संबंध था वो आपके घर से था और आपके घर में कोई एड्स का पेशेंट था जिसके चक्कर में वो तीनों हिंदू मर गए। पता है अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे इधर कोई गाय कट रही थी तो एक हिंदू आया, बोल रहा भाई गलत है। मैंने कहा तेज जा पुलिस को बुला ले, जो प्रशासन है ना तेरा वो बुला ले। बताओ भाई ने हमारे प्रशासन की काबिलियत के ऊपर लघु शंका कर दी और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा उनको, और बोलेगा भी कैसे। अभी देखा ना राजस्थान में कितना अच्छा प्रशासन ने काम करके दिखाया करौली में। यार मेरे मुंह से सच क्यों निकल रहा है यार, हमारा धर्म कुछ नहीं है, इमेजिन करते हो वोट्स को। आयरनी पिछली लाइन में नहीं थी गाइस, आयरनी इसकी इस लाइन में। इमेजिन करते हो वोट्स को, मतलब जो व्यक्ति अपनी 10 पुस्तों का नाम अपने इस नाम के साथ नहीं बता सकता, डेफिनेटली कोई ना कोई, समझ रहे हो ना क्या निकलेगा। वो व्यक्ति आज की डेट में 5000 साल पुरानी सभ्यता के ऊपर, 5000 साल पुराने धर्म के ऊपर ज्ञान दे रहा है। नादिम मेरे बेटे DNA चेक करवाओ अपना, तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी। अब आई नो कि तुम्हें ये तो पता नहीं होगा कि DNA क्या होता है, मदरसा में ये फैक्चुअल चीज तो तुमको पढ़ाई नहीं होंगी। जैसे कि अपना खून होता है ना, वैसे ही अपना DNA भी होता है, खून सेल्स DNA एंड मतलब ये सब चीजें पढ़ाई वाली होती है, तुम्हें नहीं समझ आएंगी। तो कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, उससे बोलना कि मेरे DNA भैया चेक करवाना है मुझे, वो तुम्हें सजेशन देगा, किसी लैब के पास भेजेगा, वहां जाकर अपना DNA चेक करवाना। 5 जनरेशन या फिर 10 जनरेशन पीछे जाओगे ना तो तुम्हारे पूर्वजों का नाम नीरज या फिर धीरज ही मिलेगा, ये नादिम फादे में आसिम खासिम नहीं मिलेगा, समझे। हमारा धर्म कुछ नहीं है, इमेजिन करते हो गॉड्स को, एक भगवान जिसकी आधा सर पता नहीं काय का लगा दिया है। एक लड़का लाइव में हिंदू भगवानों को गाली दे रहा है और उसका सपोर्ट करते हुए एक लड़की हंस रही है और उस पे ये भी बोल रही है नदीम कॉमेडी किंग सीरियसली। नाजिम बेटा तुम्हें पता है रमजान में लाउड स्पीकर से ज्यादा तेज क्या बजता है? नहीं। मैं बताता हूँ, आसाम पुलिस का डंडा अगर नहीं मानता ना तो पूछ ले अपनी शबनम से, अभी तक उसे पता चल गया होगा। तुम गंदगी हो ना इस वर्ल्ड की, तो भाई हिंदू सबसे बड़ी गंदगी है ये गंदगी है। जिनको खुद ना पहनने का ढंग है, ना खाने का ढंग है, ना रहने का ढंग है, वो आज हमें गंदगी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। तुम गंदगी हो ना इस वर्ल्ड की। नादिम बेटे पहले नहाना सीख लो, इतने लगाने से सिर्फ स्मेल आती है, अंदर की जो गंदगी होती है ना वो साफ नहीं होती है। पहले नहाना सीख लो उसके बाद गंदगी के ऊपर लेक्चर देना बहुत। इनकी बहनों का होना चाहिए और ये ट्रूथ है, होना चाहिए, करूंगा मैं, करूंगा। पहली चीज तो तुम ये जो थ्रेड दे रहे हो ना इसकी मैं मंशा समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बकरी के अलावा तुम्हें किसी और से कंसर्न मिलना नहीं है, जो अपने अंदर की भड़ास है वो थ्रेड के रूप में तुम निकाल सकते हो, तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, पढ़ के इसी जगह से आए हो तुम। लेकिन अभी की डेट पे मुझे तुमसे ज्यादा तरस शबनम के ऊपर आ रहा है जो खुद एक लड़की है। बताता हूँ, मेरे को शहीद कर दो भाई, मैं तो अगर मैं एक मरूंगा पीछे 100 पैदा होंगे वो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आएंगे भाई, क्योंकि सुअरों की तरह बच्चा पैदा करने के अलावा तुमने सीखा क्या? भले मोदी के राशन से घर चल रहा होगा, घर पे खाने को नहीं होगा, लेकिन बच्चा जरूर पैदा करना है, पॉपुलेशन बढ़ाने को ही सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे घिन आती है यार मुझे तुम जैसे लोगों पे, घिन आती है लिटरली। नदीम कॉमेडी किंग सीरियसली। नादिम आई नो कि सुअर खाना हराम होता है और बहुत अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस लाइव को देखने के बाद मेरे मन से आवाज आ रही है कि सुअर को सिर्फ खाना ही नहीं उसके साथ सोना भी आराम होना चाहिए था। अगर सुअर के साथ सोना भी आराम होता तो आज एक नादिम हमारे सामने ना होता। खैर जब आप इस लाइव
भाई को पूरा देखेंगे तो आई नो कि आपके अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा जनरेट हो जाएगा, आप लोग गाली देने पे उतर आएंगे, लेकिन गाली देने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी अगर शिक्षा दिखा रहा है मदरसा में पढ़ी हुई तो आपको जरूरत नहीं है वो सब दिखाने की। आप लोग शांति रहिए, हम जैसे लोग हैं जो बहुत सही भाषा में उनको जवाब दे देते हैं और उनको मिल जाता है, तो आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से करना चाहूंगा जो इसको सपोर्ट कर रहा है। आई नो रमजान आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना होता है और ये बहुत पवित्र महीना होता है आप लोगों के हिसाब से। आप आज की डेट में इस महीने में ऐसे व्यक्ति को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये व्यक्ति जिस भी तरीके की बात कर रहा है ना, उसको सपोर्ट किया ही नहीं जा सकता, चाहे आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। ऐसे लोगों का साथ ना दें, प्लीज ऐसे लोगों का साथ ना दें, गंदगी है ये, लिटरली गंदगी है। खैर, तो मैं आपको थोड़ा सा ताजा अपडेट देता हूँ इस मामले के बारे में। नादिम भाई ने अपनी आईडी डिलीट कर ली है। नादिम भाई जान, आपके शरिया कानून में तो हमेशा औरतों को मर्दों से पीछे रखा जाता है, लेकिन इस बार जेल जाने की बारी क्या आई? जेल की बात क्या हुई, आपने लेडीज को फर्स्ट कर दिया। खैर, तो जोक सपाट, नादिम भाई ने अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर ली है, शबनम दीदी ने भी डीएक्टिवेट कर ली है। पर डीएक्टिवेट करने से पहले शबनम दीदी ने बताया कि वो बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में आ चुकी है, लोगों ने गाली बक रहे हैं और अब वो जाकर सुसाइड कर रही है। और ये जो सुसाइड वाली नई नौटंकी चली है, मतलब वो एमसी कोड वाला आपको याद होगा, खूब गालियां की, राजगान का अपमान किया, खूब जो बदतमीजी वो कर सकता था उसने करी। जब लोगों ने आउटरेज किया तो भैया मैं जा रहा हूँ यमुना में कूद, मतलब यमुना में पानी नहीं है, पता नहीं कहाँ कूदने जा रही था, ना कूदा अभी तक। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। शबनम दीदी को जब गाली पड़ना शुरू हुई, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया, तो शुरू हो गई, भैया मेरा मेंटल पीस खराब हो चुका है, जा रहे हूं। भैया देखो, पहली चीज तो आपने लाइव करके जो बातें कही है वो इलीगल है, आप जो स्टेप उठाना चाहती हो, आप जो बात कर रही हो उठाने का, वो भी एक इलीगल है, कभी तो लीगल काम कर लो। जितनी बेशर्मी के साथ ये सुसाइड वाला विक्टिम कार्ड फेंका है, उतनी ही बेशर्मी के साथ अगर माफी मांग लेते ना तो हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, माफ कर देते। लेकिन डे वन से गलती करो, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल लो, और आजकल ये नई नौटंकी आ गई, सुसाइड कर लूंगा, बस हो गया काम खत्म। ये जो तुम्हारा दोस्त नादिम इतनी ज्यादा उछल कूद मचा रहा था, कुछ भी उखाड़ लो, बुलाओ उसको, उसको पेश करो लोगों के सामने, कोर्ट के सामने, जजों के सामने, तो पता चलेगी उसको उसकी औकात। वो तो चला गया 72 रूर की बात करके, आपको क्या मिला 72 टूर, वो भी कहा के कोर्ट के। इसलिए बालकों, आप लोगों से हाथ जुड़ के रिक्वेस्ट है, उछल कूद मत करा करिए, रेडिकल्स मत बना करिए, एक्सट्रीमिस्ट मत बना करिए। कई बार बोल चुका हूँ, एक्सट्रीमिस्ट जो बनेगा उसका अंत ऐसे ही होगा। अगर आप रेडिकलाइज होंगे तो लोग परेशान कर देंगे, नहीं तो प्रशासन। प्लीज रेडिकलाइज मत होइए। और जितने भी लोग गाली दे रहे हैं किसी रिलीजियस फेथ को या फिर किसी भगवान को, मत दो। मैंने पूरी वीडियो में कहीं पे भी गाली दी नहीं थी। इस महीने में ऐसे गाली देना, उनको गाली देना कोई जरूरत नहीं है, प्लीज कोई जरूरत नहीं है। ये बदतमीज है, गंवारे आप नहीं, आप तो अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दें, आपको क्या जरूरत है गंवार बनने की। और हाँ गाइस, फाइनल अपडेट ये कि नादिम अरेस्ट हो चुका है, जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया था। शबनम दीदी अभी तक फरार है, हो सकता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि योगी जी के बाद अगर मेरे को किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो मामा हेमंत विश्व शर्मा जी पे। मैं जानता हूँ कि उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जिस तरीके का ये डिजर्व करते हैं, बट एटलीस्ट अरेस्ट हो जाएंगे, थोड़ा तो सुकून मिलेगा। जो हम चाहते हैं कि लीगली एक्शन हो, वो तो एटलीस्ट हो जाएगा। तो फाइनल अपडेट यही है, बाकी देखो जो आएगा वो पता चल जाएगा आपको सोशल मीडिया के थ्रू। खैर, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गाइस, मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा था एंड रैंडमली मैंने ये लाइव देखी है और मैंने बोलना शुरू किया है, कोई स्क्रिप्ट नहीं करी, कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट देखता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो बहुत अजीब सी लग रही हो, और हो भी सकता है कि आपको ठीक लगी हो। मेरे निजी विचार हैं, आकर मुझे ट्विटर पर जरूर फॉलो कर ले, मैं आज या कल या परसों में स्पेस बनाऊंगा और फिर मैं थोड़ा स्क्रिप्टेड वहाँ पर बोलूँगा। और आप जानते हो जब मैं स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलता हूँ तो बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। तो ट्विटर पर फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।